life, I'm Amit Khanna, the director of the film Badmashiyan. ओके आज जो हम बेसिक कर रहे हैं वो एक फोटोशूट है और हमारी मूवी 27 सबको रिलीज़ हो रही है तो टिल 27th of Feb वी हैव समथिंग और दी अदर प्लान कुछ ना कुछ सोचा है कि आज कुछ ना कुछ करना है. ये फोटोशूट का आइडिया हमें मिला क्योंकि आई एम अ फैशन फोटोग्राफर जो 3 साल से फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं और मुझे लगा कि मैं इतने लोगों की फ़ोटो खींचता हूँ क्यों ना अपने ही एक्टर्स की फ़ोटो खींचूँ. वी ट्राइड समथिंग डिफरेंट दिस टाइम एंड आई एम ग्लैड इट्स अ लॉट ऑफ फन और बहुत मज़ा आ रहा है हमें ये शूट करके. जी जो आज की पूरी लुक है वो अभिलाषा ने डिसाइड किया है, डिज़ाइन भी किया है. वो इस शूट की स्टाइलिस्ट हैं जो मेरे साथ काफ़ी सालों से काम कर रही हैं. मूवी का भी उन्होंने ही पूरा स्टाइलिंग किया है और ये उनका ब्रांड है लाशा जो लड़कियां आज पहन रही हैं. आप देख सकते हैं इट्स वेरी स्टाइलिश, शी इज़ वेरी गुड विथ वॉट एवर. और ऑनेस्टली मैंने उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया कि आपको कुछ सोचना है कुछ करना है. जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ग्रैंड रेड कार्पेट लुक हमने उनको दिया है बट स्टिल केप्ट अ लिटिल सटल ऑन द कलर. सिद्धांत को हमने एक बहुत ही सेमी कैजुअल लुक दिया है आई थिंक विच ही इज़ कैरिंग ऑफ वेरी वेल. शाहरुख का एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन रखा है जो उनके कैरेक्टर के हिसाब से है मूवी के, जो एक हरियाणवी डॉन है पर वो बहुत ही अमेरिकन या फ्रेंच फिल्म से बहुत ही इंस्पायर्ड रहते हैं, बहुत ही अप क्लास वे में वो ड्रेसअप करते हैं तो वही रखा है. पर दिल से वो अभी भी हिंदुस्तानी है तो वो उनका पूरा जो कॉस्ट्यूम है वो रिप्रेजेंट करता है और ही इज़ कैरिंग इट ऑफ वेरी वेल. जी क्योंकि जो हमारी मूवी है उसका नाम है बदमाशियाँ और जो एक्टर्स हैं हमारे वो इतने बदमाश हैं कि उनको कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती. उनको सिर्फ मैं छोड़ देता हूँ, उनको जैसे जो करना है दे हैव कंप्लीट फ्रीडम बिकॉज दे आर बदमाश फ्रॉम इनसाइड. तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उन्हें इंस्ट्रक्ट करना पड़े या कुछ बोलना पड़े. आई एम सो ग्लैड दैट यू नो दे ऑल आर डूइंग सच अ गुड जॉब. जी प्रमोशन से ज़्यादातर सब प्रीटी मच सिमिलर वे में जाती हैं क्योंकि वो ऑडियंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है. बदमाशियाँ की जो प्रमोशन है ऑलरेडी चालू हो चुकी है, हमारे काफ़ी आर्टिकल्स आ चुके हैं, इसके गाने चल रहे हैं टीवी पे फिलहाल, हमारे सिटी टूअर्स अगले हफ्ते से चालू होने वाले हैं. तो हमारे जो बदमाश हैं वो पूरी इंडिया में घूम के वहाँ पे बहुत सारी बदमाशियाँ करके बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं एंड दैट्स व्हाट दे आर गोना डू. जी फिल्म से तो यही उम्मीद है कि सबको देख के अच्छी लगेगी और सब कहीं ना कहीं इस पिक्चर से कनेक्ट करेंगे. ये ऐसी पिक्चर है कि इसमें ऑलमोस्ट 20-22 कैरेक्टर्स हैं और मुझे लगता है कि कोई ना कोई कैरेक्टर से ज़रूर रिलेट करेगा, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि अपनी झलक वो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर पाएंगे एंड आई होप दे ऑल लाइक इट. जी इसका जो म्यूज़िक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है मूवी का. मैनी रेप्यूटेड सिंगर्स ने अपनी वॉइस लैंड की है, अंकित तिवारी है, मोहित चौहान है, मिक्का है और इन्होंने बहुत ही कमाल किया है. शिल्पा राव का अनप्लग्ड वर्जन है एक, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे पूरा यकीन है कि सबको ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. इट्स ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, अभी तो चालू हुआ है और अभी बहुत आगे तक जाएगा ये म्यूज़िक. थैंक यू.